सभी का चिंचे किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मीजा। मीजा बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, ये मैंने छान के रख रखा है बेसन। इसके लिए मैंने 2 से 2.5 चम्मच करीब लिया बेसन। इसमें डालूंगी मैं हल्दी, मिर्च और अजवाइन को हाथ से क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। हम थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि हमें सब्जी में जब प्यूरी बनाएंगे तब उसमें डालेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और डालेंगे इसमें देसी घी, जिसे सॉफ्ट बनेंगे, और इनको आपस में पहले मिक्स कर लेंगे। दोस्तों मेरी रसोई थोड़ी छोटी है, इस वजह से स्लिप पे अगर रख के बनाती हूँ तो फिर दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने गैस पे ही रख रखा है। और इसमें हम धीरे धीरे करके इस तरीके से पानी डालते रहेंगे और इसे यूं करके मिलाते रहेंगे। इसे हम जब तक मिलाएंगे इसमें छोटी छोटी सी गुठलियां सी बन जाएंगी आपस में, जैसे आप देख रहे हैं इसमें गुठलियां बनने लगी हैं। इनको हमें इसी तरीके से बनाना है, हल्के हल्के हाथ से पानी डालते हुए। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बन गए, सॉरी इस तरीके से ये बन गए हैं। अब इन्हें हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक इसको हम ऐसे करके छोड़ेंगे जब तक हम अपने मसाले में प्याज टमाटर और लहसुन पीस के प्यूरी बना लेते हैं। इसको हमें ऐसे ही रखना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ही रखने हैं। अगर आपके कुछ बड़े पीस हो जाते हैं तो आप घबराइए मत, और उन्हें हाथ से यूं करके आप तोड़ सकते हैं। दस मिनट हो गए हैं, मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है और मैंने अपना मसाला ही पीस के तैयार कर लिया है। मैंने आज टमाटर प्याज और लहसुन सारा एक साथ पीस लिया है। हमारी कढ़ाई अब सूखने जा रही है, इसमें हम डाल देंगे, पहले थोड़ा सा ऑयल डालना है हमें इसमें। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम अपने सारे जो हमने मीजा बनाए हैं इन्हें डाल देंगे, और इन्हें हल्के हाथ से चलाते हुए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है, मतलब अच्छे तरीके से। गैस का स्लो बिल्कुल कम रखना है। और दोस्तों मुझे आपसे ये पूछना था, क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि मैं चल नहीं सकती, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे खुद एक सहारा चाहिए पकड़ने के लिए। जब मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ते हैं तो मैं चलती हूँ। घर में तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं चेयर की सहायता से चलती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब मेरे यूट्यूब फैमिली ने नहीं कहा, बाहर के मेरे आस पड़ोस के लोगों ने कि मैं अपने बच्चों को कहीं लेके नहीं जाती, तो आप बताइए मैं उन्हें कैसे लेके जा सकती हूँ जब मुझे खुद सहारा चाहिए। तो इसलिए मैं अपने बच्चों की डिमांड अपने घर में जो मैं जितना मुझसे हो सकता है पॉसिबल मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको खाने पीने में या फिर जो मांगते हैं जितनी मेरी गुंजाइश होती है मैं उनको दे सकूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ क्या? आप देख सकते हैं हमारा मीजा भूज अच्छी तरह से भूज चुका है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा और इसे भून सकते हैं, पर मेरा ये भून चुका है, इसे जलने नहीं देना, अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो मजबूरी है, ये मैं जो चल नहीं पाती, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल फंक्शन में या फिर उनको कहीं बाहर लेके नहीं जा पाती, ये मेरी मजबूरी है या फिर मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ। इसमें मैं ऑयल डाल दे रही हूँ और तेल। हमारा तेल गर्म हो चुका है, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है इसलिए एक ही लाइट जल रही है।
इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग और अपना जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे नमक। याद रखना हमने नमक थोड़ा सा उसमें मिलाया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कमी या फिर टेस्ट अनुसार आपने डालने का। हल्दी पाउडर, मिर्च, और धनिए के चार बड़े चम्मच, मतलब जो मीडियम साइज मेरा चम्मच है इसको, इसके और इसमें साथ में हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे बेसन, जिसे हम इसी के साथ भून लेंगे, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी। हमने इसमें बेसन डाला है इसलिए हमें इसे चलाते हुए पकाना है, जिससे बेसन हमारा चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर अभी से ही आ गया है, जब मसाला पूरी तरह से पक जाएगा तो इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा। हमारा मसाला काफी अच्छी तरह से पक चुका है, तेल सारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 बड़े गिलास पानी डालूंगी। और इसे खोला आने तक उबाल लूंगी। हमारी सब्जी में एक अच्छा सा खोला आ गया है। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ और इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे जिस जो हमारी सब्जी हमने बेसन की बनाई है इसके अंदर सारा फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाए। इसे हम धीमी गैस पे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और फिर इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। और एक बात, जब भी हम लोहे की कढ़ाई में या पीतल की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो गैस जैसे आप बंद करते हैं उसे आप सर्व दूसरे बर्तन में कर लीजिए, नहीं तो सब्जी हमारी लोहे की कढ़ाई में काली हो जाएगी और पीतल की कढ़ाई में उसमें पीतल की महक आने लग जाती है। हमारे मुझे की सब्जी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लगती है। बनने के बाद में अभी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, देखिए। और अगर आप मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा जो मैंने आज आपसे पूछा है, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ। मेरी मजबूरी को कुछ लोग नहीं समझते, अगर आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।